ये 4 इंची में, ठीक है, ये 750 वाट का होता है, हेवी होती है, बहुत से भी थोड़ा हेवी होता है ये, ठीक है। इसमें आते हैं 4 इंची में 8 टू 1 मॉडल, अच्छा हेवी होता है, ठीक है, ये 850 वाट का होता है। डिवोल्ट का ड्रिल मशीन आएगा सर, ये ड्रिल मशीन का 10 mm का ड्रिल मशीन, 10 mm का ड्रिल मशीन आएगा। ये सब स्टेनले आ गया, ब्लैक स्टेनले, डिवोल्ट में ही स्टेनले कंपनी का डिवोल्ट में ही होता है, ठीक है। हीट गन होता है, ब्लैक एंड डेकर के नाम से आता है, ये भी इसी कंपनी में होता है। 1800 वाट, ये 1800 वाट में। आगे चलते हैं, ये क्या कौन सी मशीन? ये सर है 10 mm हल्की ड्रिल मशीन है जी, घर के यूज के लिए, जिसको पर्सनल घर का थोड़ा बहुत काम करना हो, हल्की है, हाँ। ज्यादा वजन भी नहीं है, अच्छा। 350 वाट में है, अच्छा। इससे आप अपने घर का छोटा मोटा पर्दे वर्दे जैसे लगाना हो, कोई भी काम हो, इससे जनरल यूज के लिए, जनरल यूज के लिए। और ये है मार्बल कटर मशीन, मार्बल कटर मशीन बॉस का, CM4 भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ओके। ये 4 इंची का मार्बल कटर पत्थर काटने के लिए होते हैं, ओके। घर पत्थर भी काट सकते हो आप, लकड़ी भी काट सकते हो, कुछ भी काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर मेरे पास स्प्रे गन वगैरह है। स्प्रे गन ये जो है चाइनीज है? नहीं, ये इम्पोर्टेड, मैं अपने तरफ से बनवाता हूँ, अपना मैन्युफैक्चरिंग है जी, ठीक है। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोशन ब्रो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ हौस काजी अजमेरी गेट दिल्ली 6, शॉप नंबर 453 बटा 43 श्रीवास्तव मार्केट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस शॉप के अंदर में सभी तरह के जो है पावर मशीनरी टूल, जैसे कि डिवोल्ट कंपनी हो गया, बॉश कंपनी हो गया, मकीटा कंपनी हो गया, और भी हिटाची हिकोकी के नाम से जो है आपको सारे प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। जो भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा होलसेल और रिटेल के दोनों तरह के जो यहाँ पे डील्स होती है। चलिए मैं आपको शॉप का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, शॉप के ओनर से मिलवाता हूँ, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से ये वीडियो देखते हैं, जरूर कमेंट करके बताएगा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको टाइम से रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप ये देख रहे हैं ये शॉप है प्रॉपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉश के आइटम्स वगैरह आप लोगों के लिए आर्टिकल हमने लगा के रख दिए, ताकि दिखाने में आसानी हो जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं शॉप का ये डैशबोर्ड है, श्री हरेश ट्रेडिंग के नाम से, पिताजी के नाम से शॉप है, अभी भैया हमारे जो है ये चला रहे हैं। और अभी देख सकते हैं शॉप का डैशबोर्ड प्रॉपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो शॉप का नंबर आप देख सकते हैं 453/43 श्रीवास्तव मार्केट हौस काजी अजमेरी गेट दिल्ली 11-6। फ़ोन नंबर भी देख रहे हैं, फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड होने वाला है, और ये इंटीरियर शॉप का। तो अब कोशिश करेंगे यहाँ पे जो शॉप के ऑनर हैं भैया हमारे, इनसे पूछते हैं कि इनके पास में किस तरह की डील्स करते हैं, होलसेल में रिटेल्स में डील करते हैं, वो किस टाइप करते हैं। चलिए हम इनसे मिलते हैं। तो हमारे जो भैया हैं, कैसे हैं भैया? बढ़िया सर, हाय एवरीवन। अच्छा भैया आप ये बताएं कि क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय पांडे हुआ। ओके, अच्छा किस तरह की डील्स होती है अपने पास? मेरे पास होलसेल और रिटेल दोनों होते हैं सर। किस तरह के आइटम्स रखते हैं अपने पास? पावर टूल्स है, कटिंग टूल्स है, स्पेयर पार्ट है, कंपनी का है, चाइनीज है। अच्छा, जैसे कि बॉश कंपनी, डिवोल्ट कंपनी, एक्स्ट्रा पावर जी, और हाइगो की। अच्छा, और उसके बाद मकीता के भी रखते जी, हैं जी, मकीता का भी है ना, सभी तरह के पावर टूल्स ही रखते हैं अपने पास जी? पावर टूल्स है, कटिंग टूल्स है, ग्राइंडिंग टूल्स है। अच्छा, सभी तरह के अपने पास में रखते हैं, सारे तरह का स्पेयर पार्ट है, स्प्रे गन है, टूल बॉक्स है। अच्छा, तो भैया आप हमें ये बताएं कि जैसे कि अगर यहाँ पे प्रॉपर जो है अपना यहाँ का शॉप का एड्रेस बताएं। सर मेरा 454/43 श्रीवास्तव मार्केट अजमेरी गेट दिल्ली 6। अच्छा, और जैसे किसी को अगर जो कोई प्रोडक्ट अगर लेना है किसी अदर स्टेट में, तो उसको कोरियर की सुविधा वगैरह? जी जी, कोरियर से चला जाएगा, चला जाएगा ना जी सर। क्या होता है केजी का हिसाब किताब क्या होता है? वो तो कोरियर वाला से बात हो जाएगा, कोरियर वाला जो चार्ज बताते हैं वो लगते हैं। जैसे अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बताएं, आइडिया दें लोगों को। वैसे बाई ट्रेन जाता है तो 60 रुपए केजी लगते हैं। अच्छा, और फ्लाइट से मंगाने पे 150 रुपए केजी लगते हैं। अच्छा, यानी ट्रांसपोर्ट और जो फ्लाइट से जो है किलो के हिसाब से? जी जी, ट्रांसपोर्ट से केजी के हिसाब से जाता है, ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं मेरे काफी जगह, हैदराबाद जाता है, बिहार जाता है, ओ पंजाब जाते हैं। अच्छा, कश्मीर जाते हैं। अच्छा जी, तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट लगा रखे हैं जी, जी जी, जैसे कि ये सूटकेस में, ये किस तरह के जो टूल्स आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं? सर ये होते हैं 13 mm ड्रिल मशीन, ये 600 वाट में आएगा। अच्छा, बॉस कंपनी का, ये कंपनी अभी 2 महीने पहले लॉन्च किया है, इसके अच्छा। पहले जो 13 mm था वो महंगी थी। अच्छा, ये सस्ती में आया है। अच्छा, ये काफी ज्यादा बढ़िया है, और इसमें हैंडल भी है साथ में। अच्छा, हैंडल पहले जो था उसमें हैंडल नहीं था। ओके, ये कंपनी अभी लॉन्च किया है और ये सस्ती भी है। अच्छा, ज्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, ये 2050 प्लस टैक्स है। अच्छा, टैक्स अलग से लगेगा? जी, टैक्स अलग से 18% लगेंगे। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये है 22 mm हैमर, 22 mm हैमर।
हैमर है, हैमर बॉश कंपनी। जैसे किसी को एसी ओसी लगाना होता है, कोई थोड़ा हेवी काम है, उसके लिए 22 mm तो कंपनी ने कर दिया। पहले 20 mm ही आता था, अब 22 mm हो गया। इसका भी रेट महंगी थी, कंपनी थोड़ा इसका रेट लो किया है, अच्छा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये 6 mm से लेकर 22 mm तक हैमरिंग करेगा, और इसमें ड्रिल का भी सिस्टम है, ड्रिल भी हो सकता है। अच्छा जी, तो क्या इसका कुछ रेट वगैरह बताएंगे? सर इसका रेट आएगा आपको 44 प्लस टैक्स। अच्छा 4400 प्लस टैक्स आएगा, टैक्स 18% अलग से लगेगा, वो सभी मशीनों पे 18% जी जी अलग से लगेगा जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ये क्या, कौन सी मशीन? ये सर है 10 mm हल्की ड्रिल मशीन है जी, घर के यूज के लिए, जिसको पर्सनल घर का थोड़ा बहुत काम करना हो, हल्की है, ज्यादा वजन भी नहीं है, 350 वाट में है। अच्छा, इससे आप अपने घर का छोटा मोटा पर्दे वर्दे जैसे लगाना हो, कोई भी काम हो, इससे जनरल यूज के लिए, जनरल यूज के लिए, जैसे कि जो वो जो कंपनी जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज में लेने वाली नहीं मशीन नहीं, ये ज्यादा हेवी नहीं है, ये हल्की मशीन है, ज्यादा काम के लिए फिर ज्यादा वाट में लेना पड़ता है, वो 450 वाट की जाती है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, ये हल्की है और ये भी बॉस का ही है, ये नहीं कि बिल्कुल हल्की है, काम बहुत बढ़िया करता है, बॉस तो ब्रांड ही है, बॉस तो ब्रांड ही है। ये सर आएगा आपको 1650 प्लस टैक्स। अच्छा जी, ठीक है, 1650 रुपए इसका रेट होने वाला है जी, बाकी टैक्स लगेगा। अच्छा, और भी चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये है मार्बल कटर मशीन, मार्बल कटर मशीन बॉस का, CM4 भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ओके, ये 4 इंची का मार्बल कटर पत्थर काटने के लिए होते हैं। ओके, घर पत्थर भी काट सकते हो आप, लकड़ी भी काट सकते हो, कुछ भी काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका प्राइस है 2950 प्लस टैक्स। अच्छा, 2950 रुपए का है मशीन, और टैक्स जो है वो अलग से लगेगा जी। ठीक है जी सर, 1200 वाट में है नहीं? ये 1200 वाट में है। अच्छा, और इससे ऊपर आपको अगर 5 इंची लेना है तो 5 इंची ये आएगा सर। अच्छा, 5 इंची ये आएगा, 1450 वाट का होता है। अच्छा, ये इसमें 5 इंची का ब्लेड लग जाएगा मार्बल काटने के लिए और लकड़ी काटने के लिए, दोनों काटने के लिए लगेगा। ओके ओके, ये 35 प्लस टैक्स होते हैं। ओके, यानी कि 3500 प्लस टैक्स। ठीक है, ठीक है, 3500 रुपए की मशीन पड़ेगी प्लस जी टैक्स। बाकी आपको ये ब्लोअर होते हैं हवा मारने के लिए, एयर ब्लोअर बॉस का। अच्छा, बहुत बढ़िया है, ना महंगी है ना सस्ती है। ओके, 2300 प्लस टैक्स। अच्छा, ये 620 वाट में, 620 वाट में होता है सर, बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा, ये बॉस का ही है ये भी। ठीक है, और आपको बता दूं मेरे पास बॉस का कटिंग टूल भी सारे होते हैं। अच्छा, ये कटिंग ब्लेड है 4 इंची का। अच्छा, ये 1250 रुपए प्लस टैक्स मिलते हैं, 400 पीस का पेटी होता है। अच्छा, आपको जितना मर्जी है उतना ले लीजिए, रेट एक ही लगेगा। बहुत अच्छी बात, ठीक है, ठीक है, और क्या चीज दिखाएंगे उसके बाद सर? ये ब्लेड होते हैं TCT बॉस का। अच्छा, सारे साइज मिलेंगे, वुडन ब्लेड लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, सारे साइज मेरे पास रेडी है, जो जितना क्वांटिटी चाहिए सारे मिलते हैं मेरे पास, होलसेल रिटेल दोनों का काम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रेट होगा भैया इसका, आइडिया? सर इसका रेट आएगा 190 रुपए प्लस टैक्स 5 इंची का। अच्छा, बाकी साइज बाई साइज अलग अलग रेट होते हैं, वो तो फोन पे वो बात कर लेंगे, कन्वर्सेशन कर लेंगे अपना, वो बता देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत ना है। ठीक है, उसके बाद सर आएगा मार्बल ब्लेड 110 mm में बॉस। अच्छा, का 4 इंची, इसमें डायमंड ज्यादा होता है, बढ़िया काटता है। ओके, ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सर आएगा 85 प्लस टैक्स। अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया, 85 रुपए का पड़ेगा जी, 85 रुपए प्लस 18% लगेंगे। ठीक है, सभी मशीन पर 18 प्लस जी, सारे मेरे पास जितने पावर टूल्स है, जो भी ये कटिंग टूल है, उसमें 18% ही लगेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना जी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जिक्सा ब्लेड सारे साइज मिलते हैं। अच्छा, जिक्सा का ब्लेड होता है लकड़ी के लिए, लोहे के लिए, एल्युमिनियम के लिए, सारे अलग अलग होते हैं साइज। क्या एक पीस का प्राइस क्या होता है सर? ये अगर डिब्बे लेने पे इसका प्राइस आएगा 25 रुपए प्लस टैक्स। अच्छा, ये लोहे के लिए होता है स्पेशल, बाकी साइज अलग अलग और लोहे लकड़ी का रेट अलग अलग होते हैं। अच्छा, वो भी डिस्कशन में बताएंगे, वो नंबर पे बात करने के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और भी देखते हैं। बाकी सर मेरे पास स्प्रे गन वगैरह है। स्प्रे गन ये जो है चाइनीज है? नहीं, ये इम्पोर्टेड, मैं अपने तरफ से बनवाता हूँ, अपना मैन्युफैक्चरिंग है जी। ठीक है, ये होता है स्प्रे गन, पेंट करने के लिए आप भी कुछ भी पेंट कर सकते हो। स्प्रेयर गन जी, देखिए इसकी बॉडी कौन सी, मेटल में है, प्लास्टिक में है? ये सारे लोहे में होते हैं, आगे का ये हैंड, ये जो होता है ना, अच्छा, ये एल्युमिनियम का होता है। अच्छा अच्छा, ये कप होते हैं लोहे का। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये कप लोहे लोहे लकड़ी लो, रेट एक ही होते हैं। अच्छा, ये आपको सस्ती में, कम से कम सबसे सस्ता 300 रुपए से शुरुआत है मेरे पास। 300 रुपए जी, 300 रुपए का एल्युमिनियम आगे होता है, इसका भी 6 महीने का वारंटी है मेरे पास। अच्छा, टूटना नहीं चाहिए, टूटने का कोई गारंटी नहीं है, टूटने के बाद कोई भी वारंटी, कोई वारंटी नहीं है। अगर आप बाय द वे लीकेज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं बदल के नया दूंगा। अच्छा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद इस पे कोई टैक्स?
इस पे कोई टैक्स? इस पे भी, इस पे अगर जैसे बिल का मैं दे रहा हूँ, बिल बनता है ना, तो जिस पे जो डेट है उसी पे 18% लगेंगे, इसका भी 18% लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑथराइज्ड शॉप है तो लगेगा ही लगेगा। जी जी जी। और मेरे पास ये 300 रुपए से लेके मेरे पास 1000 रुपए 2000 तक 2500 रुपए तक गन है। अच्छा। हर क्वालिटी का अलग अलग गन है। अच्छा। उसको भी मैं एक आपको सैंपल बता देता हूँ। एक आता है ये, अच्छा, लिब्रा, इसका आगे का ये जो मुंह है, नोजल, ये नोजल, हाँ, ये होता है पीतल का। अच्छा। और वो लोहे का होता है कप। अच्छा, कप जो है लोहे का, मेटल होने वाला है, और ये जो है ये 500 का है। अच्छा, ये 500 प्लस टैक्स लगेगा, इसका भी वारंटी है। अच्छा। ये थोड़ा हैंडल और वो इसका क्वालिटी थोड़ा बढ़िया है। अच्छा अच्छा, बिल्ड क्वालिटी। जी जी जी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में मेरे पास पायलट का भी गन है। अच्छा। पायलट कंपनी लोग जानते हैं, पायलट कंपनी का गन है जी, स्प्रे गन। अच्छा, जो मैं दिखाया हूँ पायलट का भी है। अच्छा, पायलट का काफी मशहूर कंपनी है, वो सब कोई जानता है, वो भी है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद आपको बता देता हूँ मेरे पास ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील करने के लिए। अच्छा, बॉस का, बॉस कंपनी के ग्राइंडिंग व्हील आप देख सकते हैं इसको, ये 4 इंची के ग्राइंडिंग व्हील। अच्छा, ये 4 इंच का ग्राइंडिंग व्हील होता है। ठीक है, ये लोहे घिसाई करने के लिए आता है स्पेशल। अच्छा, बॉस का। ठीक है, ये आएगा आपको 33 प्लस टैक्स। अच्छा, ये कितने नंबर, कितने एमएम की, कैसे क्या है? ये 4 इंची 6 mm मोटाई होती है। अच्छा अच्छा, ये मेड इन फिलीपींस होता है। अच्छा, ये बढ़िया होता है, ये सेम क्वालिटी मेड इन चाइना आता है, वो सस्ती होती है। वो भी मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ये आता है, ये भी बॉस का ही है। अच्छा, और 4 इंच 6 mm ही है, ये मेड इन चाइना होता है। अच्छा, मेड इन चाइना जी, ये थोड़ी सस्ती है, ये 2800 रुपए प्लस टैक्स है। ओके, ये थोड़ा सस्ती है, और लेकिन ये बॉस का ही है, बॉस कंपनी के ना, बॉस दो क्वालिटी का निकालते हैं ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। हर क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और भी आगे हम, और एक टूल बॉक्स भी होते है मेरे पास, लोहे वाला टूल बॉक्स भी बेटा, ये होता है मेरे पास बॉक्स। अच्छा, टूल बॉक्स, टूल बॉक्स, इसमें आप सारे टूल्स रख सकते हैं अपने घर के पर्सनल यूज के लिए, या कंपनी में, कोई कंपनी में लगते हैं वो लगते हैं। ठीक है, इसमें 3 ट्रे होते हैं। अच्छा, इसमें आप तीनों ट्रे में अपना सामान रख सकते हैं, पेचकस वगैरह, पेचकस वगैरह, हैमर वगैरह, जो भी है, हैंडल्स वगैरह, जो भी है, जो भी है अपने पर्सनल यूज के लिए या कंपनी के लिए, इसको रख के बंद करके, और इसमें एक ताला चाबी लगा दिया ताकि बच्चे कोई छेड़छाड़ ना करे, कहीं सामान इधर उधर सेफ रहे अपना, सेफ रहे। ठीक है, क्या इसका प्राइस होता है अपने पास? सर, इसका प्राइस 470 प्लस टैक्स होते हैं। 470 रुपए का मिलेगा प्लस टैक्स है जी, प्लस कितना परसेंट हुआ? इस पे भी 18% ही लगता है सर। अच्छा, 18% लगेगा। जी जी जी, ठीक है। मेरे पास हीकोकी का कटिंग व्हील मिलेगा। अच्छा, हीकोकी कंपनी का 4 इंच का कटिंग व्हील भी होता है। ओके, ठीक है, ये 14 रुपए का है। अच्छा, उसके बाद में मेरे पास एक्स्ट्रा पावर का कटिंग व्हील भी है। एक्स्ट्रा पावर वालों का जी, 9 रुपए का कटिंग व्हील है। ठीक है, 1.3 mm का जी, 4 इंची में। ठीक है, क्या रेट इसका क्या होता है एक पीस का? 9 रुपीज, 9 रुपए का पड़ेगा, 900 रुपए का 100 पीस का डिब्बा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और भी दिखाएंगे? और दिखा रहा हूँ सर, मेरे पास स्पेयर पार्ट भी मिल जाएंगे। स्पेयर पार्ट्स किस तरह के मिलते हैं अपने पास? जैसे ये बॉस का, जैसे ये बॉस का ग्राइंडर हुआ। अच्छा, ये 4 इंच बॉस का ग्राइंडर होता है। ठीक है, ये 1800 प्लस टैक्स होते हैं, 670 वाट में। अच्छा, इसका ये आर्मीचर होते हैं, ये आर्मीचर मिलेंगे ना जी, इस पर जैसे बॉस का आर्मीचर फूक गया, कोई दिक्कत हो गया, तो ये आर्मीचर होते हैं। ठीक है, ये 460 रुपए प्लस टैक्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास ये मिलेंगे डिवॉल्ट का ग्राइंडर, आप डिवॉल्ट में आ जाओ।